बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप जैसे प्यार करें लोगों से मुलाकात करवाई, सच्ची मुझे बहुत खुशी हुई है। साथ ही ये देखा तो हुआ यहाँ पे बड़े नामी गिरामी लोग रहते हैं, जो लाखों में नहीं करोड़ों में नहीं लाखों में वो दोनों दूर से खेलते हैं, मगर यहाँ लोगों को ताकत देकर वाकई बड़ी बड़ी बड़ा दुख हुआ। ये पीसा की मोहब्बत है कि मैं आप इस नगरी में आया हूँ, ना चाहने के बावजूद मेरा सरना एक मीपर आधा कश्मीर से है। ये तो मेरे ख्याल में मैं तो मुदाफ में कहता हूँ कि आप लोग अल्लाह मियाँ के पहले अश के करीब रहते हैं। पहले मैं आया था कुछ दो साल पहले, तो बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ था। मान लीजिए पीर साहब की मोहब्बत है जो मुझे जब खींच कर लाई। ये जो हॉस्पिटल आपका बढ़ रहा है उसमें ये पीर साहब की ख्वाहिश है, इसकी वजह से आप मुझे मेरे साथी को यहाँ पिछले सालों से देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल में उसका पास जो कि बारह मुबारकबाद की ओर से पीर साहब है, इनकी ख्वाहिशों से आप जो हॉस्पिटल बना जाए। हमने तो कोशिश की थी वहाँ से के रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, तो उसकी बजाय इन्होंने एक मुकम्मल हॉस्पिटल बना दिया और बड़ा मॉडिफाइड हॉस्पिटल बनाने की कोशिश में है। और मैं समझता हूँ आप लोगों का साथ और मोहब्बत आपके पीर साहब के साथ नहीं तो ज़रूर ये आपकी कोशिश में कामयाब होंगे। जहाँ तक हमारा तल है कि हम तो प्रदेश में अपनी रोज़ी कमाने के लिए गए थे, अल्लाह ताला का बड़ा करम कि यहाँ के मुकाबले में हम लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल है। हमारी भी कोशिश होती है कि आप लोगों से हज़ारों मील दूर बैठ कर भी कुछ कर सकते तो करें। आपके हॉस्पिटल ये जो कानपुर में बन रहा है, इसमें हमारे काफ़ी लोग सैकड़ों में जो लोग वो पीर साहब से काम निकाल रहे हैं अपनी बरसात के मुताबिक। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इसके बावजूद कि वहाँ से लोग इनकी मदद कर रहे हैं। वैसे साहब मेजुबान है पीर साहब, ये अपना अपनी जेब से काफ़ी खर्च करके लिए आप लोग के लिए बना रहे जो गरीब लोग हैं किसे मुश्किल। ये पीर साहब का ख्वाब है कि आपने इस इलाके को एक खूबसूरत खिताब बनाना चाहते हैं जिसमें हर बेसिक इंसान को फैसिलिटी मिले। इसमें एक बात कहना चाहूँगा।